हेलो फ्रेंड्स कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में हम पहले ही बात कर चुके हैं आज हमें पढ़ना था केन नदी और उसकी सहायक नदियां और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई नदियों को हम शुरू करेंगे सबसे पहले जब हम केन नदी की बात करते हैं तो केन नदी जो है वह मध्य प्रदेश के केन नदी जो है कटनी जिले की रेठी तहसील से निकलती है और इसके बाद ये पन्ना और छतरपुर जैसे जिलों में बहती है और इसके बाद यह पवाई सिंचाई परियोजना का निर्माण करती है केन नदी के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं कटनी जिले की रिठी तहसील की के कैमूर पर्वत श्रृंखला से केन नदी का उद्गम होता है इसे कर्णावती दीर्णावती श्रवेणी और पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहा जाता है तो राष्ट्रीय उद्यान जब हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा कि पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो केन नदी को पांडव जलप्रपात गाथा जलप्रपात और रनेह जलप्रपात जो है वो केन नदी के अंदर बना हुआ है केन नदी पे बना हुआ है पांडव जलप्रपात जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जलप्रपात है केन नदी के किनारे स्थित अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजराहो कहा जाता है मदर ऑफ खजराहो क्यों कहा जाता है स्थापत्य कला के लिए इसे मदर ऑफ खजराहो भी कहा जाता है केन नदी में शजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है यह अजयगढ़ से बांदा बा जो है वो राजस्थान के पास है तो अजयगढ़ से बांदा के मध्य में मिलता है जब हम बात करते हैं शजर नाम के पत्थर की तो जो यह शजर नाम का पत्थर ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और किस कारण फेमस है तो ये अपनी कलाकृति के कारण फेमस है ऐसा लगता है जैसे कि देखिए ये बहरी केन नदी और ये है शजर पत्थर शजर पत्थर ऐसा लगता है जैसे कि नदी ने इन पत्थरों के ऊपर कोई कारीगरी की हो शैवाल वगैरह अंदर डाले होंगे आपने देखा होगा कि आजकल ऐसी बहुत सारी डिजाइन चल रही है जो कि सिलाईम में की जाती है बहुत सारे लिक्विड्स में की जाती है लेकिन ये एकदम ओरिजिनल पत्थर है और इस पत्थर में ये जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरी की पूरी डिजाइन नदी में ही होती है प्राकृतिक पत्थर है ये पूरे के पूरे और इस कारण से ये पत्थर बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य पत्थर होते हैं ऐसा जाता है कि इन पत्थरों को लेकर लोग हज करने भी जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य माना जाता है और खुदा के एक तोहफे के रूप में भी देखा जाता है तो इस पत्थर का नाम है शजर पत्थर जो कि केन नदी में मिलता है केन नदी की परियोजनाओं की बात करें तो केन नदी एक परियोजना बनाती है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है वो है उर्मिल सिंचाई परियोजना इसके अलावा में रंगावा बांध बांध, बरियापुर सिंचाई परियोजना और पवई सिंचाई परियोजना केन नदी पर स्थित है इन परियोजनाओं से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं पहला है गंग बांध गगौ बांध जो है यह परियोजना केन और शिमरी नदी के संगम पर स्थित है रनगवा बांध इस परियोजना को बमीठा खजराहो में वर्ष 1957 में बनाया गया था बरियापुर सिंचाई परियोजना यह परियोजना छतरपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल सिंचाई परियोजना ये महत्वपूर्ण हो जाती है इस पे आपको ध्यान देना है यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है यह परियोजना उर्मिल नदी पर स्थित है जो कि केन की सहायक नदी है इसके बाद पवई सिंचाई परियोजना यह परियोजना पन्ना जिले में स्थित है जो कि केन नदी पर स्थित है कालीसिंध नदी देखिए काली सिंध नदी की हम जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सारंगपुर जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है यह कालीसिंध नदी के किनारे ही स्थित है तो इसका उद्गम देवास जिले से होता है इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है सोनकक्ष और कालीसिंध दोनों जो शहर हैं ये दोनों बहुत फेमस है और ये कालीसिंध नदी के तट पर स्थित है समाप्ति की बात करें तो इसकी समाप्ति कोटा में होती है जो कि चंबल नदी में मिल जाती है आगे चलकर कुंडलिया सिंचाई परियोजना कालीसिंध नदी बनाती है और यह सिंचाई परियोजना कालीसिंध नदी पर स्थित है यह परियोजना प्रदेश में राजगढ़ और आगर मालवा की सीमा पर स्थित है अर्थात प्रदेश में जो राजगढ़ और आगर मालवा जिले हैं इन दोनों जिलों की मेन सीमा पर यह परियोजना स्थित है फिर आगे देखते हैं शिप्रा नदी जब शिप्रा नदी की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा शिप्रा नदी को पुण्य सलीला कनक श्रा आदि नामों से भी जाना जाता है शिप्रा नदी को ही कहीं कहीं अवंती भी कहा जाता है जो शिप्रा नदी है वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पुण्य और अच्छी नदी मानी जाती है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शिप्रा नदी के किनारे ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है इसके अलावा इस नदी का उद्गम इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत हुआ था पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका उद्गम जो है वो काकड़ी बडली की पहाड़ी से हुआ है इसके अन्य नाम कनक श्रंगा मालवा की गंगा अवंती और पुण्य सलीला है समापन मंदसौर जिले में यह चंबल नदी से मिल जाती है और चंबल आगे जाकर यमुना से मिलती है सहायक नदियाँ खान और गंभीर नदी है देखो शिप्रा की जो सहायक नदी है जिसका नाम है खान नदी और ये खान नदी जो है इसी के किनारे इंदौर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है और यह खान नदी जो है इसे ही कहीं कहीं कान नदी भी कहा जाता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है शिप्रा में हम बात कर लेते हैं कि शिप्रा जो है चंबल में आगे चलकर मिल जाती है ये है शिप्रा नदी और शिप्रा नदी के तट पर ही आपको महाकालेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है ये जो है महाकालेश्वर मंदिर के दिन का सीन है और ये वाला है जो है ये रात का सीन आपको दिखाई दे रहा है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना देखिए शिप्रा नदी जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी नदी है और बहुत ही ज्यादा छोटी नदी होने के कारण परंतु इसका महत्व बहुत ज्यादा है शिप्रा नदी का महत्व कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो पौराणिक रूप से एक विशेष प्रकार की दंत कथा के आधार पर मानी जाती है जिसमें कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है भगवान विष्णु के ब्लड से या फिर भगवान विष्णु के रक्त से हुई है और कहीं कहीं इसे इत्री ऋषि के द्वारा भी माना जाता है कि इत्री ऋषि की बुझाव से इसकी उत्पत्ति हुई है क्षिप्रा नदी का विलुप्त होना जाना हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात थी और उस विलुप्त होने से शिप्रा नदी को बचाने के लिए शिप्रा नदी का पुनः जीवन शुरू करने के लिए या फिर उन्हें पुनः जीवन देने के लिए शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का जल मिलाया जा रहा है और जिसे ही नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना कहा गया है तो इस परियोजना का प्रारंभ 29 नवंबर वर्ष 2012 से हुआ था और इस परियोजना के तहत शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का जल मिलाया जा रहा है और उसे पुनः जीवन दिया जा रहा है शिप्रा नदी के किनारे बट बसे हुए प्रमुख स्थल की जब हम बात करते हैं तो शिप्रा नदी के किनारे जो प्रमुख स्थल बचे हैं वो सारे के सारे उज्जैन जिले के अंतर्गत आते हैं जैसे सिंहस्त कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि दक्षिण मुख्य ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में स्थित है शिप्रा नदी के किनारे राम घाट यह वही घाट है जब सिंह होता है ना तो यहीं पर शाही कुंभ आयोजित किया जाता है शाही स्नान आयोजित किया जाता है काल भैरव मंदिर जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है उज्जैन का और यहाँ पर भगवान को मदिरा भी चढ़ाई जाती है सादीपनी आश्रम यह वह आश्रम है जहा पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भ्राता बलराम जी के साथ में ज्ञान की प्राप्ति ली थी और यहीं पर उन्हें सुदामा से उनकी मृत्युता मित्रता भी हुई थी भ्रंथ हरी की गुफाएं राजा भ्रंथ हरी के गीत आज भी मालवा में गाए जाते हैं और राजा भ्रंथ हती की जो गुफाएं हैं वो भी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जिले में स्थित है कालिया देह महल और मंगलनाथ मंदिर मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का आध्यात्मिक बिंदु भी माना जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सारे जो स्थल हैं सारे के सारे स्थल शिप्रा नदी के तट पर स्थित है फिर आता है हमारा सिंध नदी सिंध नदी के उद्गम की बात करेंगे सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले से होता है तहसील लगती है सिरोंज पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है लंबाई इसकी लगभग ४७० किलोमीटर है इसकी सहायक नदियों में महुअर पार्वती पहुज और पुष्पावती नदी स्थित है जलप्रपात की बात करें तो पावा भूरा और सुल्तानगढ़ जलप्रपात यहाँ पर स्थित है जलप्रपात है ना इसका जो सनकुआ नामक का एक मेला भी लगता है जो कि दतिया जिले के अंतर्गत लगता है फिर आता है माही नदी माही नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा काम करती है जो है कर्क रेखा को दो भागों में दो बार काटना कर्क रेखा को दो बार काटना तो माही नदी जो है इसका उद्गम धार से हुआ है तहसील लगती है सरदारपुर सरदारपुर के अंतर कौन सी झील है तो मेहद झील है गांव कौन सा है तो मेहद गा, मेड़ा गांव से सहायक नदियों की बात करें तो माही नदी की सहायक नदी है जाखम और सोन नदिया उपनाम की बात करें तो इसे महती और पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है देखिए यह आएगा पृथ्वी की पुत्री माही नदी जो है ना ये कर्क रेखा को दो बार काटती है क्योंकि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश की एकदम बीजो बीज भी से गुजरती है तो माही नदी एक बार इसको यहाँ काटती है और एक बार और उसके बाद में काटती है तो दो बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी जो है वो माही नदी है माही नदी पर बांधों की बात कर लेते हैं तो माही नदी पर पहला जो बांध है वो है जाखम बांध यह माही नदी पर स्थित बांध है साथ ही साथ में यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है देखिये जैसी आप जाखम बांध की बात कर रहे हैं ना ये है जाखम बांध तो ये राजस्थान का क्या है सबसे ऊंचा बांध है ऊंचा मतलब ऊपर उठा हुआ बांध फिर बात करेंगे बजाज सागर बांध की तो बजाज सागर बांध जो है यह माही नदी पर स्थित है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है सबसे बड़ा बांध है तो है बजाज सागर बांध और इसकी आप लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं तो यह जो है यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है इसका नाम है बजाज सागर बांध किस नदी पर है तो माही नदी पर स्थित है क्वेश्चन आपसे दोनों बन सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है माही नदी पर स्थित है नाम क्या क्या है तो एक का नाम है बजाज सागर और दूसरे का नाम है जाखम बांध फिर बात करते हैं कंडाना बांध की यह गुजरात में है माही नदी पर स्थित है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विशेष माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है ये बात हम देख चुके हैं माही नदी अरब सागर में समाप्त हो जाती है अरब सागर में गिरती है तवा नदी तवा नदी जो है यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है तवा नदी का जो उद्गम है वो जिला होशंगाबाद से होता है तहसील की बात करें तहसील इटारसी लगती है पहाड़ी की जब, जब हम बात करते हैं तो कालीभीत पहाड़ी महादेव पर्वत श्रृंखला से तवा नदी का उद्गम होता है तवा बांध यह बांध तवा नदी पर नाइनटीन में होशंगाबाद में प्रारंभ किया गया था यह होशंगाबाद होगा होशंगाबाद में प्रारंभ किया गया था बोरी वन्य जीव अभ्यारण का कुछ भाग इस क्षेत्र में आता है आपको याद रखना है जो तवा बांध ये कहां है पर स्थित होशंगाबाद जिले में स्थित है। कब प्रारंभ किया गया 1958 में प्रारंभ किया गया। समापन तवा नदी का समापन बान भद्रा में नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत होता है यह है तवा नदी फिर बात कर लेते हैं टोस नदी की टोस नदी जो है इसका उद्गम सतना जिले के अंतर्गत होता है कैमूर पहाड़ी से और जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है अन्य नाम इस टोस नदी को तमसा या तवना भी कहा जाता है सहायक नदियों की बात करते हैं बीहड़ महाना और ओदा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं टोस नदी पर रीवा जिले में पूरब जलप्रपात स्थित है अवसान की बात करें मतलब कहां पर समाप्त होती है तो टोस नदी प्रयागराज के में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है तो टोस नदी कहा समाप्त हो रही है प्रयागराज में 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 सिरसा नामक स्थान गंगा मिल जाती है, यह है टोस नदी देखिए सारी नदियां जो है देखने में एक जैसी ही लगती है आपको खुद से अंतर डिसाइड करना पड़ेगा अगर आपको ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं आपको सिर्फ बांध याद रखने कौन कौन सी बांध किस किस नदी पर स्थित है और कहाँ से इनका उद्गम हुआ है बीहड़ नदी बिहड़ नदी का जो उद्गम है वो सतना जिले के अमर पाटन नामक स्थान के खमरखेड़ा गांव से हुआ है और कहीं कहीं इसे अमर पाटन और कहीं कहीं अमरपाट भी कहा जाता है तो अमर खमर खेड़ा नामक गांव से हुआ है बिहड़ नदी का उद्गम जलप्रपात की बात करेंगे चचई जलप्रपात बहुटी जलप्रपात और केवटी जलप्रपात जो है वो बिहड़ नदी पर स्थित है इनमें से जो बहुटी जलप्रपात है ना ये वाला यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वर्तमान में चचई की बात करेंगे चचई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश का नियाग्रा भी कहा जाता है नियाग्रा क्यो? क्यों क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चौड़ा जलप्रपात होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है रीवा जिले में स्थित यह जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है केवटी जलप्रपात जो है वो महाना नदी पर स्थित है और अगर महाना ऑप्शन में ना हो तो आपको पता है कि आपको बिहड़ नदी लगाना है क्योंकि महाना जो है वो बिहड़ की सहायक नदी है ये देखिए ये आपको जलप्रपात दिखाई देंगे तो यहाँ पे ये यह जो जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा बहुटी जलप्रपात और ये जो जलप्रपात आपको दिखाई दे रहे हैं ये जलप्रपातों के ग्रुप है वेनगंगा नदी वेनगंगा नदी बहुत ज्यादा फेमस नदी है यह बालाघाट में बहुत ज्यादा जानी जाती है वेनगंगा नदी का उद्गम जिला शिवनी से हुआ है पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव श्रेणी से इस नदी का उद्गम होता है वेनगंगा नदी को शिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसकी लंबाई पांच वर्ग किलोमीटर है ये देखिए ये है वेनगंगा नदी इसके उद्गम की बात हमने कर ली शिवनी से इसका उद्गम होता है फिर उसके बाद ये बालाघाट में जाती है और अन्य जिलों में जाती है छिंदवाड़ा जैसे जिलों में और अंत में यह जब वेनगंगा नदी अपने वर्धा के साथ मिलती है तो आगे चलकर एक संगम बनाती है जिसको कहा जाता है प्राण संगम जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये महाराष्ट्र में बनाती है बेन गंगा नदी पर एक बांध है जिसे कहा जाता है भीमगढ़ बांध या इसी का दूसरा नाम है संजय सरोवर बांध या फिर कीचड़ बांध यह जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इसकी स्थापना वर्ष उन्नीस में शिवनी जिले में छपारा नामक स्थान में की गई थी वेनगंगा नदी के समाप्ति की बात करते हैं यह नदी महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी से मिल जाती है और वेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता भी कहा जाता है वर्धा नदी वर्धा नदी के उद्गम की बात करें इसका उद्गम बैतूल जिले से होता है तहसील लगती है मुलताई और वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है लंबाई 525 किलोमीटर है क्योंकि ये महाराष्ट्र में जाकर हमने देखा वेनगंगा नदी से भी मिल रही है नदी इसके सीधे सीधे वेन गंगा नदी सीधे-सीधे है। आवसन की बात करते कहाँ समाप्त होती है तो यह महाराष्ट्र में समाप्त हो जाती है पार्वती नदी पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है इसका समापन चंबल नदी में हो जाता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें पूछा जाता है कि नदी और उनके किनारे बसे शहरों के बारे में नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं अमरकंटक होशंगाबाद नेमावर, महेश्वर पुनासा जबलपुर नरसिंहपुर और बड़वानी चंबल नदी के किनारे महू श्योपुर रतलाम मुरैना बेतवा नदी के किनारे है ओरछा सांची गुना और विदिशा ताप्ती नदी के किनारे बसा है मुल्ताई और बुरहानपुर पार्वती नदी के किनारे शाजापुर आष्ठा राजगढ़ कालीसिन नदी के किनारे बागली सारंगपुर देवास और सोनकक्ष खान नदी के किनारे इंदौर सिंध नदी के किनारे शिवपुरी और दतिया तवा नदी के किनारे पचमढ़ी शिवना मंदसौर माही धार छिपरा उज्जैन ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक अब देखिए आप कैसे समझना है अमरकंटक अर्थात वह क्षेत्र जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है होशंगाबाद की बात करते हैं ये वो स्थान है जहां पर पचमढ़ी बसा हुआ है जो कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है निमावर की जब हम बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी का नाभिकुंड कहलाता है महेश्वर की बात करते हैं तो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है और इसके अलावा इसकी स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा की गई थी और यहाँ पर स्थित एक घाट है जिसका नाम है अहिल्या घाट जो की नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट भी है और यहीं से निमाड़ उत्सव का आयोजन भी किया जाता है जबलपुर जबलपुर की जब हम बात करते हैं तो जबलपुर शहर पूरा का पूरा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ के तिलवारा घाट लमीठा घाट आदि घाट बहुत ज्यादा फेमस है नर्मदा नदी के लिए जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो कि भेड़ाघाट पे स्थित है और संगमरमर की चट्टानों के लिए जबलपुर बहुत ज्यादा जाना जाता है नरसिंहपुर की बात करते हैं तो नरसिंहपुर ये, ये वो शहर है जो कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में इसके साथ ही साथ में नरसिंहपुर से ही रजनीश ओशो मतलब आचार्य ओशो का संबंध रहा है और उनकी कर्मस्थली भी रही है नरसिंहपुर का गाड़रवाड़ा फिर बात कर लेते बड़वानी जिले की बड़वानी वह जिला है जहां पर हम देखते हैं कि कपास वगैरह का उत्पादन होता है चंबल महू की जब हम बात करते हैं तो महू इंदौर ज़िले की एक तहसील है महू वही क्षेत्र है जहां पर पातालपानी जलप्रपात है यहां से चंबल नदी और शिप्रा नदी का उद्गम होता है ये वो क्षेत्र है जो कि भीमराव अंबेडकर की, भीम की जन्मस्थली है इसके साथ साथ में मामा ताट्या भील की समाधि महू में स्थित है इसके साथ साथ में यहाँ पर एक हेरिटेज ट्रेन चलती है किसके लिए पर्यटन के लिए श्योपुर की बात कर लेते हैं तो श्योपुर वैसे भी कृषि लिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है उत्तरी जिला माना जाता है रतलाम रतलाम में रतलामी सेव बहुत ज़्यादा फेमस है और रतलामी सेव को ही भीलड़ी सेव भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रतलामी सेव है उसके निर्माण की विधियां हमें भीलों से प्राप्त हुई है इस कारण से इसे भीली सेव भी कहा जाता है मुरैना जिले की हम बात करते हैं तो मुरैना जिला वही जिला है जो कि सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन के लिए जाना जाता है मुरैना जिले में ही सबसे ज़्यादा चंबल नदी अपना अपर्दन करती है जो कि अवनाली का अपर्दन होता है और इससे ही बीहड़ों का निर्माण होता है फिर बात करते हैं ओरछा जिले की ओरछा जिले जो है वो निवाड़ी जिले की एक तहसील है ओरछा बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे साथ ही साथ में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करके रखा गया है ओरछा में ही रामायण कला संग्रहालय बनाना सुनिश्चित किया गया है सांची की बात करते हैं सांची रायसेन जिले में स्थित है और बहुत ज्यादा फेमस है सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर सांची का स्तूप बनवाया गया है जो कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है सांची स्तूप की बात करते हैं सांची स्तूप की स्थापना जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा कराई गई यहाँ पर महामोगलायन और सारी घोषाल की अस्थियों को संरक्षित करके रखा गया है यह रायसेन जिले के अंतर्गत आती है नदी की बात कर यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है फिर आता है हमारा गुना गुना की जब हम बात करते हैं तो गुना मुख्यतः ग्वालियर के पास में स्थित है इस, इस कारण से ग्वालियर और गुना दोनों में ही कुछ फसलों का उत्पादन होता है जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है विदिशा जिले की बात कर लें तो विदिशा में ऐसा कुछ खास है नहीं मुल्ताई मुल्ताई जो है ये बैतूल जिले में स्थित है और इसमें जो है ताप्ती नदी का उद्गम यहाँ से होता है बुरहानपुर की बात करेंगे ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला स्थित है और इसे ही दक्षिण की कुंजी कहा जाता था बुरहानपुर वही क्षेत्र है जहाँ पे बाज बहादुर का शासन हुआ करता था साजापुर की बात कर लेते हैं तो साजापुर जो है साजापुर जो है वह उज्जैन संभाग का जिला है और उज्जैन में जस्ट बाजू में लगता है देवास साजापुर एकदम लगे हुए जिले हैं। आष्ठा की बात करें आष्ठा जो है वो एक तहसील है सीहोर जिले के अंतर्गत बागली की बात करें तो बागली देवास के अंतर्गत आता है सोनकक्ष की बात करें सोनकक्ष बहुत ज्यादा फेमस है और कालीसिंद नदी के तट पर स्थित है इंदौर के बारे में आप जानते हैं इसे मिनी मुंबई कहा जाता है मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है शिवपुरी और दतिया की बात कर ले तो इसके किनारे सिंध नदी के किनारे ये दोनों शहर बसे हुए हैं पचमढ़ी की जब हम बात करते हैं तो पचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित सतपुड़ा के अंदर भी महादेव पर्वत श्रृंखला के स्थित और पचमढ़ी में एक जलप्रपात है जो बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है रजत जलप्रपात मंदसौर की बात करते हैं तो मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे स्थित है और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का एक मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और भगवान पशुपतिनाथ का जो ये मंदिर है इस मंदिर को इस कारण से फेमस माना जाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर है और इसकी तुलना सीधे नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है फिर माही नदी की बात कर धार की बात करते थे थे, हैं है, है, मध्य मतलब है, प्रदेश का महत्वपूर्ण उज्जैन तो वैसे भी बहुत है, महाकालेश्वर के कारण और प्रसिद्ध नगरी भी मानी जाती है सांदीपनी आश्रम भी यहाँ पर है पौराणिक दृष्टि से भी उज्जैन बहुत ज्यादा महत्व रखता है किस नदी के किनारे शिप्रा नदी के किनारे इस प्रकार से हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर प्रमुख शहर किस-किस नदी के किनारे स्थित है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं हमने अब मध्य प्रदेश में बची हुई नदियों को देखा नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को देखा नदियों को किस ट्रिक से याद करना है हमने वो ट्रिक भी देखी इसके अलावा यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम बाद में और भी चीजों को कवर करेंगे बाकी चीजें हम एमसीक्यू में कवर करने वाले हैं कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग हैं यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल और इसके साथ साथ में अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं कि मैम ये चीज़ गलत हो गई हम उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे ओके थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में